हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, मैं आराधना मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस चैनल आराधना फूड फ्लेवर में। तो फ्रेंड्स, यहां पे आज हम बनाने वाले हैं अपने घर का सबसे फेवरेट खाना आलू पराठा, जो कि हम सबका फेवरेट होता है और अक्सर ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हम चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्ची, इन सारे चीज़ों को काट करके ले लिया है। अब हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चटनी सिलबट्टे पे पीस रहे हैं, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी की जो होती है उसका थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है और अलग फ्लेवर होता है। तो इसलिए आज हमारी चटनी सिलबट्टे पर पीसी जाएगी। तो यहाँ पर हमने सारी सामग्री को सिलबट्टे पर रख लिया है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से पीस लेते हैं। इसके बाद हम आलू का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है खलबट्टा, उसमें हमने डाल दिया है अदरक, कटी हुई मिर्च और लहसुन की कलियाँ। इन सारी चीज़ों को हम दरदरा कूट लेंगे। तो इसे हम कूट के साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हम आलू का मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से आलू को ले लिया है, बॉयल करके मैश कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे नमक, कटी हुई धनिया, थोड़े से अजवाइन। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम कलौंजी। कलौंजी के बाद आप इसमें डाल दें जो हमने क्रश करके अदरक लहसुन मिर्ची रखा था वो। तो फ्रेंड्स, आप इसे क्रश करके डालें, इससे क्या है पराठे में स्वाद थोड़ा अच्छा आता है और टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो हम इसे इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच की जितना सरसों का तेल। और इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पे हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो आप इसे इस ट्रिक से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा कैसा लगता है खाने में। हमारे यहाँ तो सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा मसाला मिक्स हो चुका है, हम इसको रख देते हैं साइड में और अब हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से आटा को ले लिया है, आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से ले लें। आटे में हम डाल देंगे नमक, अजवाइन, कलौंजी और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच की जितना ये मलाई है। इससे क्या होता है कि पराठे में जो क्रिस्पनेस है वो बनी रहती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो हम इसे पहले मिक्स कर लेते हैं। तो इसे आप अच्छे से मिक्स करें और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 से 2 चम्मच की जितना सरसों का तेल। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बातों का ध्यान रखें, आप पराठा जब भी बनाएं, कोई भी पराठा हो, तो उसमें घी की जगह रिफाइन या सरसों तेल का यूज करें। तो आप ऐसे यहाँ इस स्टेज तक आटे को मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम नरम डो तैयार करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप फिलिंग वाले पराठे बनाएँ तो उसका जो डो है वो नरम ही रखें, रोटी से भी नरम, जितना कि आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उससे भी नरम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे पराठे में जब हम फिलिंग करते हैं तो ये एक जैसा सारे तरफ मिलता है, वरना जब आटा अगर आपका हार्ड होगा तो पता लगेगा कि जो सारी फिलिंग है साइड चली जाती है और बीच में सिर्फ आटा ही मिलता है। तो आप इससे मुलायम ही डो तैयार करें। उसके बाद हम गैस ऑन करके उस पर रख देंगे तवा, और जब तक तवा हमारा गर्म होता है तब तक हम पराठे तैयार करते हैं। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, एक पेड़ा लेंगे, लोई बनाएंगे और उसमें इस तरह से हमने जो आलू की फिलिंग तैयार की थी उसको हम ऐसे प्रेस करते हुए भर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ना, तो खूब सारा आपका जो आलू वाला फिलिंग है वो इसमें आ जाएगा, जिससे पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम इसको फिल करने के बाद भर देंगे। उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएँगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से नरम हाथों से बेल लेंगे। तो पराठे आप जब भी बेलें तो नरम हाथों से ही बेलें, ज़्यादा हार्डली न बेलें, वरना आपके पराठे फट सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले पराठे को बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पराठा हमारा बेल चुका है, अब हम इसको रख देते हैं तवे पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पराठा हमारा एक साइड से सिक चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पराठा जब हमारा दूसरी साइड सिकता रहेगा तब तक हम क्या करेंगे कि ऑयल ले लेंगे। तो पराठे आप जब भी बनाएं तो सरसों के तेल से ही बनाएं, अच्छे लगते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑयल से पहले इसको एक साइड ग्रीस करके इसको पलट लेंगे, फिर दूसरी साइड भी हम इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड हमारा पराठा ग्रीस हो चुका है, अब इसको हम रख देते हैं साइड में और पराठे को हम पलट पलट के सेक लेंगे एक से दो बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुनहरा कलर पराठे में आ चुका है, अब इसको हम पलट देते हैं। फिर इसके बाद इस तरह से आप सारे पराठे को सेक लें। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे तेल की जगह पे आप बटर या घी भी यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, पर पराठे तेल में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने आपको यही सजेस्ट किया है कि आप तेल में ही बनाएं। तो यहाँ एक एक करके हम सारे पराठे को बना लेंगे। तो पराठा हमारा तैयार है, अब चलते हैं हम सर्व करने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम थाली में पराठे निकाल लेंगे, इसके बाद हम ये चटनी लाल और हरी चटनी रख देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दही भी यूज कर सकते हैं, पराठे चटनी दही के साथ अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे रात का टाइम है इसलिए हमने दही का इस्तेमाल नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं हमारी फिलिंग कैसे ये जैसे सारे साइड में आ चुकी है और कितना ढेर सारा भर भर के हमारा इसमें आलू गया है। तो आप अगर इस ट्रिक से पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे टेस्टी भी बनेंगे और खूब सारे आलू की फिलिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्त अगर आपको और पराठों से संबंधित वीडियो देखना है तो आपको खीरा पराठा का वीडियो हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।